हिमाचल हाईकोर्ट की एक महिला अधिवक्ता द्वारा डीजीपी संजय कुंडू पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते बार एसोसिएशन की आपात बैठक भी आज बुलाई गई, जिसकी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बार काउंसिल द्वारा जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, उस तरीके से इस मुद्दे को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जहाँ तक बार काउंसिल इस मुद्दे को जिस प्रकार से उठाने की कोशिश कर रही है, उस तरह से इस मुद्दे को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक साधु समाज के वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करना और उनके प्रमिसेस में बार बार दखल देना, कुत्ते भेजना, डालना, इस प्रकार से सारी जो परिस्थितियां वहां पर की गई और सिर्फ एक मकसद के साथ उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए प्रयास हुए हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, और उस समाज की ओर से उस मंदिर में जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उनको बार बार इस प्रकार से परेशान करने की मंशा के साथ, ताकि वो उसको छोड़ जाए, वो लोग कब्जा कर सकें, ऐसा एक प्रयत्न उसमें दिखता है। और इसलिए उस समाज की ओर से जो है, उनकी ओर से बार बार इस बारे में शिकायत होगी, और शिकायत जब होगी तो स्वाभाविक रूप से पुलिस को ही जाएगी, और पुलिस के डीजीपी होने के नाते उन्होंने प्रयत्न किया उनको समझाने का कि ये इस प्रकार से कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर वहाँ पर डीजीपी की उपस्थिति में उनके साथ मुझे जो जानकारी मिली है, उस पर फिर से दुर्व्यवहार किया गया, तो स्वाभाविक रूप से कानूनी कार्रवाई जो नियम के मुताबिक बनती है, कानून के मुताबिक बनती है, वो कानूनी कार्रवाई उसमें हुई है और आने वाले समय में भी होगी, वो निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए किसी भी आदमी को इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जा सकती है। अगर कोई वकालत करता है, उसका प्रोफेशन है, उसके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन इस प्रकार से वो कानून को अपने हाथ में लेकर के ऐसा व्यवहार करने जाए, बाकी आदमी की तो बात छोड़िए, डीजीपी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो निंदनीय है, और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ऐसे में जो भी उसमें कानून के मुताबिक जो कार्यवाही का रास्ता बनता है, मुझे लगता है कि वो कार्यवाही उसमें होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।